हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता। मैम बच्चों, क्लास टेंथ का हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस, जिसमें स्टडी करने जा रहे हैं हम सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस का, हमने इंट्रोडक्शन देखा था। और सेकंड वीडियो में देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको कहते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिससे आपके शरीर का नरिशमेंट हो। नरिशमेंट यानी कि शरीर का पोषण जिससे हो, ठीक है। तो शरीर का पोषण होना यानी कि शरीर का नरिशमेंट होना, अच्छी तरीके से शरीर का देखभाल होना, डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, इसी को हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो देखो, प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस, डेफिनेशन अभी मैं आपको दे दूंगी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम खाने को खाते हैं, पहले उसको हम खाएंगे, फिर उसको हम डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से जो भोजन का जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स को हम कंज्यूम करेंगे, उसको लेंगे, उसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके हमारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी बनेगा। जो एनर्जी बनेगा वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनता है, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनेगा, और जो एनर्जी बन रहा है फिर उसको हम अपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें कि उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो एनर्जी मुझे इसी इन्हीं के द्वारा मिलेगा, यानी कि जो हमने खाना खाया उस खाने को खाने के बाद भोजन को डाइजेस्ट किया जाएगा। जब डाइजेस्ट करेंगे तब एनर्जी का लॉस होगा। हमारे शरीर में जो एनर्जी पहले से बनी हुई है उस एनर्जी को खर्च करके और हम उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेशन में एनर्जी हम खर्च करेंगे, लेकिन बदले में हमको प्रॉफिट फिर ज़्यादा मिलने वाला है। तो हमने खाना खाया, उसको हमने डाइजेस्ट किया, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसी चैप्टर में हमारा जो डाइजेशन वाला पोर्शन है उसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फूड मटेरियल का डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको खींच करके ब्लड में ले लिया जाएगा, इसी को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब होकर के वो चीज़ें ब्लड में जाएंगी, ब्लड से वो चीज़ें सेल में पहुंचेंगी, और सेल क्या करेगा कि उनको तोड़ करके, जो ये पहुँच रही है ना, जिन चीज़ों को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, वही एक्चुअल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी कि उस भोजन से हमने न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया, उसको हमने ब्लड में भेजा, ब्लड से वो पहुँच गए सेल के अंदर, और सेल में जा करके उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हमने एनर्जी का प्रोडक्शन किया, ठीक है। एनर्जी हमने बनाया, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, हमारे शरीर में कहीं टूट फूट हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, या फिर बहुत सारे जो प्रोसेस हमारे अंदर चल रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए हमको जिन यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलेंगी, बाहर भोजन से मिलेंगी। हमारे शरीर में रिपेयरिंग होता है, रिपेयर होता रहता है, ठीक है। या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब हमको रोगों से लड़ने की क्षमता देनी है, ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, ये सब चीज़ें हमको भोजन से मिलती हैं, ठीक है। हम फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में कई वो क्षमता बनेगी, हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनाना, प्रोटीन बनाना, ताकि हमारा बॉडी डेवलप हो सके, ठीक है। और एनर्जी को बनाया जाता है जो एटीपी के फॉर्म में बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं अपनी ऑल एक्टिविटीज़ में। जब हम सोते हैं तब भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। आप कहेंगे सो रहे हैं तो फिर एनर्जी का खपत कैसा, खपत तो होगा क्योंकि आप सो रहे हैं, बट आपके बॉडी के अंदर के सारे फंक्शंस चलते रहते हैं। उस समय भी हार्ट अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, तो बाकी जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन हैं, जो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन हैं, वो ऑर्गन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारे शरीर को इस तरीके से नरिश करना है ना, पूरा नरिशमेंट देना, यानी कि हर तरीके से शरीर को हर चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी करना, एकदम तैयार करना, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। ये होता है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण, शरीर का पोषण किया जा रहा है। और शरीर का पोषण किससे होता है, फूड मटेरियल से होता है, भोजन से होता है, ठीक है। तो देखो, प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि खाने को खाओ, पचाओ, और जो भी आपने इसमें प्रोडक्ट पचाने के बाद जो चीज़ें आपको मिला उसको यूज़ करो, यही है न्यूट्रिशन, और शरीर का नरिशमेंट करो, ठीक है।
अब भोजन से हमको मिलता क्या है, तो भोजन से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हैं क्या, है ना। तो देखिए सम सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे शरीर को, हमारे शरीर के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, और वो चीज़ हमको कहाँ से मिलता है, भोजन से, ठीक है, फूड से। फूड से वो चीज़ें मिल रही हैं और हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये न्यूट्रिएंट्स, इसको आप फर्दर टू कैटेगरीज में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। दो तरीके के हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये जो हमने डिवाइड किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, है ना, ये काम क्या करते हैं, इनके काम के अकॉर्डिंग हमने इस चीज को डिवाइड किया है। मतलब न्यूट्रिएंट्स का डिवीजन और तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस तरीके से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम न्यूट्रिएंट्स का डिवाइडेशन जो कर रहे हैं वो ये बेसिस ऑफ फंक्शन, ये काम क्या करते हैं, है ना, इनके काम के अकॉर्डिंग, इनके काम के अकॉर्डिंग क्या काम करते हैं, उस काम के बेसिस पर हम न्यूट्रिएंट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल, और ये सारी चीज़ें आपको जैसे पानी हम पीते हैं, उन पानी में भी जो हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वाटर में प्योर वाटर, इसीलिए कहा जाता है कि प्योर वाटर नुकसानदायक होता है। अगर एकदम आप पानी पीते हैं, प्योर वाटर पीते हैं, प्योर वाटर का मतलब कि सिर्फ H2O, उसमें पानी H2O के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो जिसको डिस्टिल वाटर कहा जाएगा, तो प्योर वाटर हमको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो हम कैसा पानी पीते हैं, हम ऐसा पानी पीते हैं जिस पानी में हमको उसमें मिनरल्स भी मिले, है ना, उस पानी के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें जैसे आपको Na मिल जाएगा, Na+ मिल जाएगा, Cl- मिल जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों यही क्या है, सॉल्ट है। तो Na+, Cl- और Ca++, कैल्शियम, ये सब चीज़ें हमको क्या है, ये हम जैसे मसाले वगैरह खाते हैं ना, फूड मटेरियल में जो मसाला है, हल्दी है ना, और पानी है, इन सब चीज़ों से हमको ये मिल जाते हैं मिनरल्स। और सिर्फ यहीं से नहीं मिलते हैं, बल्कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उनके थ्रू भी हमको मिल जाता है ये इनऑर्गेनिक, यानी सिंपलेस्ट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको मिल जाते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें यही सारी चीज़ आते हैं, ये सब सॉल्ट, जैसे कि Na+, Cl-, Ca++, PO4-, उसके बाद हो गया आयरन, ठीक है, जैसे आपने खाया पालक, ठीक है, तो पालक की आपने सब्जी खाई तो आपको आयरन मिल गया, ठीक है, कॉपर मिल जाता है हमको, जिंक मिलता है, ठीक है, CO2 गैस, जो CO2 गैस ले रहे हैं, या फिर जो CO2 गैस हमारे शरीर में, अब CO2 गैस कहाँ से आता है, तो CO2 गैस भी तो हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, कैसे, जब हम ब्रीथ करते हैं तो बाहर में एटमॉस्फेयर में जो CO2 गैस है वो भी CO2 गैस हमारे शरीर में जाता है, और हमारे शरीर के अंदर भी CO2 गैस बनते हैं, ठीक है, तो CO2 गैस है, H2O है, पानी है, ये सब सारी ये सब चीजें जो हैं इनको हम इनऑर्गेनिक यानी कि सिंपलेस्ट, ये तो सिंपल है, इनमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इसीलिए जब आप पानी पीते हैं और आप पानी पियेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि चलो खाने के बजाय पानी से अपने स्टमक को धोखा देते हैं ना, कि भूख लगी है लेकिन भोजन नहीं है, तो आपने क्या किया कि स्टमक को फुल करने से ही तो मतलब है, स्टमक यानी कि पेट, है ना, पेट को अगर फुल कर दो, किसी भी चीज़ से फुल कर दो, तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हमने खाना खा लिया, लेकिन तो आपने क्या किया, आपने अपने स्टमक को चकमा देने के लिए आपने पानी पी लिया, ठीक है, 2 ग्लास आपने पानी पी लिया, चलो ठीक है, आपका स्टमक फुल हो गया, है ना, तो स्टमक तो फुल हो गया, पेट तो भर गया, ठीक है, लेकिन क्या आपकी भूख मिट गई, नहीं, क्या आपको वो चीज़ें मिल गई, देखो पानी पिया आपने, इनऑर्गेनिक सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे, ठीक है, कुछ उसमें से मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो पानी जो आपने पिया वो विद इन 5 मिनट्स, है ना, 5 मिनट में ही उस पानी को आराम से उसको इजिली डाइजेस्ट किया जा सकता है, आराम से उसको स्टमक से वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पानी के साथ जब हम कुछ खाना खाते हैं, फूड मटेरियल से जब अपने स्टमक को फुल करते हैं, तो वहां पर स्टमक के अंदर देर तक उस फूड मटेरियल को रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है, क्योंकि अब आपने जो खाना खाया है उस खाने में ऑर्गेनिक यानी कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं, इन कॉम्प्लेक्स
न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। तो इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, स्टमक को पेट को काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसके लिए खाने को वो रोकेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए रोकेगा। तो वहाँ लगभग 4 घंटे 5 घंटे है ना खाने को रुकना पड़ेगा, तब जा करके उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो इसको डाइजेस्ट करना आसान है और इसको डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट करने में, तोड़ने में टाइम लगता है। हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपने स्टमक को चकमा दे दिया कि चलो ठीक है पानी पी लेते हैं, पानी पी करके पेट भर देते हैं और पेट भर जाएगा है ना, तो भूख मिट जाएगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत चालाक है ना। यहाँ पर एक हार्मोन है जो कि बता देता है कि अच्छा ये है ना, मतलब ऐसा किया जा रहा है, तुम जो है केवल स्टमक को फुल करके और चकमा दे रहे हो और स्टमक में तुमने खाना नहीं भरा है ना। तो वो जो हार्मोन है ना वो बता देता है कि हाँ ये इसमें न्यूट्रिएंट्स तो कुछ आया नहीं है, केवल इसमें तो पानी भरा गया था, ठीक है, इसमें जो हमको मिलना चाहिए था न्यूट्रिएंट्स वो तो मिला नहीं। तो इसका मतलब कि स्टमक को फिर बोलेगा कि ना खाना नहीं आया था, तुमको धोखा दिया जा रहा है, स्टमक को फुल तो कर दिया गया था लेकिन ये तुमको धोखा दिया जा रहा है, इसमें फूड मटेरियल नहीं आया है ना, ये तो सिर्फ वाटर है, तो तुम वापस से फिर जो है कोशिश करो, भूख लगती है हमको, एहसास कौन दिलाता है, हमारा स्टमक है ना। तो फिर से बोला जाएगा स्टमक को, नहीं नहीं नहीं, तुम बोलो कि नहीं नहीं भोजन दो है ना, स्टमक के अंदर फूड मटेरियल आना चाहिए, जब तक भोजन नहीं आएगा तब तक बार बार आपको लगेगा कि भूख लगा है, पानी पीने से पेट नहीं भरेगा, खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ों के लिए पूरा एक सिस्टम होता है, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे आगे, ओके। तो देखिए, तो उसके बाद हमने देखा कि इनऑर्गेनिक सिंपलेस्ट इसमें होते हैं और ऑर्गेनिक यानी कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स में कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को अगर हम उन न्यूट्रिएंट्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो उन न्यूट्रिएंट्स को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूं, ठीक है। पहला वो न्यूट्रिएंट जो एनर्जी देगा, ठीक है, दूसरा वो न्यूट्रिएंट जो कि बॉडी बिल्डिंग होगा, और तीसरा वो न्यूट्रिएंट जो कि रेगुलेटिंग फूड होगा। जैसे एनर्जी फूड है ना, जो हमको एनर्जी देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसमें आता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा आता है फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको क्या खाने से मिलेगा, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इन सब चीजों को खाने से हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या फिर आप फ्रूट्स भी खाते हैं, मीठा जो उसका फ्रूट्स में जो मिठास होती है उससे आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, आप चीनी खाते हैं तो उससे मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, आलू खाएंगे उसमें भी आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या फिर स्वीट पोटैटो खाइए उसमें भी मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है, ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब तुरंत आपको एनर्जी महसूस होगा। जब कभी कोई बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, ठीक है, और उसके शरीर में बिल्कुल खड़े होने की ताकत नहीं रहती है और उसको किसी तरीके से हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसको एडमिट करके, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले उसके शरीर में एनर्जी दी जाती है, ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी दी जाती है, यानी कि ऐसा फूड मटेरियल हम उसको नहीं खिलाते हैं जिसको कि डाइजेस्ट करने के लिए पहले एनर्जी खर्च करनी पड़े, क्योंकि उस पेशेंट के शरीर में ऑलरेडी एनर्जी है ही नहीं, तो वो कुछ खाएगा ऐसा तो उसको पचाएगा कैसे, वो नहीं पचा सकता है ना, क्योंकि उसके शरीर में एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया है, उस जो आप खाना उसको खिला रहे हैं उसको पचाने के लिए भी उसके पास सफिशियंट एनर्जी नहीं है। तो उसको डायरेक्ट क्या होता है, ड्रिप के माध्यम से है ना, ड्रिप के मीडियम से क्या किया जाता है, उसमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ठीक है, वो ग्लूकोज जो होगा वो उनके शरीर को, पेशेंट के शरीर को एक्सटेंट एनर्जी देगा, मतलब कि तुरंत के तुरंत एनर्जी देगा, वो तुरंत ब्लड में जाएगा और तुरंत सेल तक पहुंचेगा, फटाफट टूटेगा, एटीपी की एनर्जी मिल गई, तो उसको अच्छा लगने लगेगा, पेशेंट को अच्छा महसूस होने लगेगा, और तो पहले एनर्जी एक बार सफिशियंट प्रोवाइड हो जाए उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, है ना। तो ग्लूकोज के साथ ही ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्लूकोज जो होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज है क्या, तो वो कार्बोहाइड्रेट से है जो कि एक्सटेंट तुरंत मतलब एनर्जी देगा, ठीक है, एक्सटेंट नहीं इंस्टेंट एनर्जी देगा, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत जो एनर्जी देता है, ठीक है। और फैट, क्या फैट एनर्जी नहीं देता है, बिल्कुल देता है, फैट जो है इससे 100 times ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट का मतलब क्या, घी हो गया, बटर हो गया, ये सब क्या है, ये फैट है, ठीक है, तो फैट ज़्यादा एनर्जी देता है। तो जब फैट ज़्यादा एनर्जी देता है तो उस पेशेंट को क्यों ढेर सारा घी खिला दें, है ना, अरे भाई अभी अभी तो मैंने बताया आपको कि घी खिला देंगे, उस घी को डाइजेस्ट, देखो ये फैट जो है ना इसको तोड़ना मामूली बात नहीं है, फैट के डाइजेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो पहले आपके पास लगाने के लिए एनर्जी है ही नहीं तो आप उसको फैट खिला भी दोगे तो क्या वो फैट डाइजेस्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं डाइजेस्ट नहीं होगा, बल्कि और नुकसान होगा, थोड़ी बहुत जो उसके पास एनर्जी थी वो भी खींच लिया और पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ नहीं, तो एनर्जी मिला तो कुछ नहीं, फायदा तो कुछ नहीं हुआ, केवल लॉस ही लॉस हुआ। जो आपके पास पैसे थे, आपके पास पहले अगर कोई बिजनेस स्टार्ट
स्टार्ट करना है तो आपके पास सफिशियंट अमाउंट में पैसे होने चाहिए, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं है, थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो भी आपने लगा दिए और फिर पता पड़ा कि काम ही नहीं हुआ है ना, तो कोई भी आपको रिटर्निंग नहीं मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि फैट जो है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पहले बहुत सारा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अगर पेशेंट को हमने फैट खिला दिया ना, तो वो उसके फायदे के जहाँ पर और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उसके शरीर से और एनर्जी खत्म कर देगा और उसको मिलेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम फैट से एनर्जी ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये स्वस्थ हेल्दी पर्सन के लिए है कि अगर आपके शरीर में उतनी एनर्जी है कि आप इस फैट को तोड़ सकें, है ना, ताकत इतनी है, तब आप घी खाइए, बटर खाइए, ठीक है। तो उससे भी क्या मिलता है आपको, एनर्जी मिलता है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको ये देगा, ओके। और इसके डाइजेशन में ज़्यादा खर्च भी होगा, एनर्जी ज़्यादा खर्च भी होगा और इसके डाइजेशन में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये आपको तुरंत एनर्जी देगा, है ना, इसीलिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ये दोनों तो हो गए एनर्जी फूड। उसके बाद आता है बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना, कुछ ऐसे फूड जो कि बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मैं जाकर के ऐसे ऐसे ना डोले सोले बना लूँ और बोलूँ कि ये बॉडी बिल्डिंग है ना, ऐसा नहीं है ना। बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है बिल्ड करना। बिल्ड करना मतलब बड़ा करना, यानी कि बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग सबसे पहले हम नींव वो बनाते हैं, फिर उसके ऊपर धीरे 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 दीवार बनाते हैं, फिर उस पर फर्स्ट फ्लोर बन करके तैयार हो गया, ग्राउंड फ्लोर बन के तैयार हुआ, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बन के तैयार हुआ, सेकेंड फ्लोर तैयार हुआ, धीरे 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 बिल्डिंग बन गई, है ना। तो बिल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्ड करने का काम दिया गया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटीन की, प्रोटीन और मिनरल्स, ठीक है, मिनरल सॉल्ट। प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट जो होते हैं ये बॉडी को बिल्ड करते हैं, यानी कि मसल्स वगैरह बनाएंगे, सेल की संख्या बढ़ेगी, है ना। ये सब चीज़ें किससे होती हैं, प्रोटीन से होती हैं। तो एक छोटा बच्चा है, देखो बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये हुआ, ये वाली बॉडी बिल्डिंग नहीं, कि एक छोटा बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, धीरे 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 बड़ा होकर के 1 साल का होता है। जब वो 1 साल का होता है तो वो 4 महीने वाले हाइट से बड़ा, 1 साल वाला बड़ा होता है, फिर वो 2 साल का होता है, ठीक है, फिर 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, 6 साल का होता है। तो अब उसके हाइट धीरे 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 क्या हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है। बढ़ रही है का मतलब क्या, कि बिल्डिंग बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें नए नए सेल्स, मसल्स, स्किन, ये सारी चीज़ें, बोन्स, है ना, सब चीज़ों में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग, है ना, कि बिल्ड करना शरीर, छोटे शरीर को बड़ा शरीर बनाना। पहले हाथ छोटे छोटे से, नन्हे नन्हे से हाथ थे, फिर हाथ बड़े हो गए, ये सब चीज़ें जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग। और मतलब बनना, है ना, बनाया जा रहा है, बॉडी को बनाया जा रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से बना के तैयार किया जा रहा है। और इसमें हेल्प कौन करता है, प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग फूड क्या होता है, वो फूड जो कि रेगुलेट करता है शरीर के फंक्शंस को, जो रेगुलेट करता है। रेगुलेट करना मतलब कि अभी ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, ये काम हुआ तो अब इसके बाद ये काम होना चाहिए, पूरा रेगुलेट करना। जैसे अभी एक अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, है ना, तो एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ काम करते हैं। तो शरीर के अंदर भी रूल और रेगुलेशन के साथ ही काम होता है। तो शरीर को जो रेगुलेट करने का काम करता है वो है विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो ये विटामिन बहुत सारे होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, बी वाला जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी, ए बी सी डी ई के, है ना। ये जो विटामिन है, ये विटामिन क्या करते हैं, फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अगर इसमें से किसी एक विटामिन का भी डिफिशेंसी हो गया, यानी कि शरीर में कमी हो गई, तो उसका इफेक्ट दिख जाएगा, डिजीज दिख जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो उससे क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जब शाम होगा तो धीरे धीरे शाम होते होते उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जिस तरीके से क्लियर वो देख पा रहा था दिन के उजाले में वो रात में नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। उसी तरीके से विटामिन बी के डिफिशियंसी से, विटामिन बी में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो विटामिन बी है उसके डिफिशियंसी से बेरी हो जाता है, सी है उसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी उसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। इस तरीके से ये बीमारियां हैं जो कि विटामिन के कमी से हो जाती हैं। तो ये चीज़ें ना हो, है ना, इसके लिए हमारे शरीर में विटामिन का होना जरूरी है। और विटामिन के लिए आपको क्या खाना है, तो फ्रूट और वेजिटेबल्स, यही है जिससे आपको विटामिन्स मिलता है। जो भी मौसम में फ्रूट्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मौसम में, इस मौसम में ये वाला फल चल रहा है लेकिन दूसरा वाला फल बहुत महंगा है तो वो आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगा और सस्ते का कोई बात नहीं होता है। जिस मौसम में जो फल मिल रहा है, यानी कि जो उस समय वो चीज़ हो रहा है तो वो सस्ता मिलेगा, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो वही फल खाइए, ठीक है। तो हर मौसमी फल जो हम खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है, विटामिन्स और मिनरल्स, दोनों ही चीज़ें हमको मिल रही हैं, ठीक है। तो
वेजिटेबल्स सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाते हैं और फल खाते हैं, उससे हमको ये मिल जाएगा, विटामिन और मिनरल्स मिल जाएगा। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? दूध पीते हैं उससे प्रोटीन मिलता है, दाल खाते हैं उससे प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। कैरेट से आपको विटामिन ए बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है कैरेट, गाजर। तो दाल के दाल वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं हम, तो उसमें विटामिन मिल जाता है। आटा जो होता है, गेहूं, गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो उसमें भी होता है प्रोटीन, है ना, छिलका वाला जो होता है उसमें प्रोटीन होता है। तो मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट के लिए कि क्या क्या ले सकते हैं और फैट के लिए क्या, तो ये सारी चीज़ें जो है हमको मिल कहाँ से रही हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो पूरा ये जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स और साथ में ये भी न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल हमको कहाँ से मिलेंगी, ये सब हमको खाना और पानी से, ठीक है। इन सब के लिए आपको क्या करना है, आपको फूड खाना है और साथ में पानी पीना है, वाटर, है ना। फूड और वाटर हम अच्छी तरीके से लेते हैं, ढंग का मतलब कहते हैं कंप्लीट डाइट, है ना, ऐसा भोजन जिसमें कि इन सब की मात्रा सही अमाउंट में, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारा फैट 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 खाए जा रहे हैं और इधर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो वो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हमको एक बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में एक दिन में आपको जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपको मिल जाए, ठीक है। तो अगर पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं तो इसको हम कहते हैं कि जो हमने खाया वो क्या था, वो बैलेंस डाइट है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट लेना होता है, बैलेंस डाइट में आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और जब सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपके शरीर का नरिशमेंट होगा। नरिशमेंट मतलब कि आपके शरीर का भी अच्छा विकास होगा और साथ में आपका ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप होगा, ठीक है। आपका दिमाग भी बहुत तेज होगा, साथ में दिमाग तेज करने के लिए आपको अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग उतना ही ज्यादा तेज होता है, ठीक है, वो आपके शार्पनेस बढ़ती जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि मैथ्स के क्वेश्चंस को अगर आप सोल्यूशन के साथ नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट एक ही क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और हर एक क्वेश्चन को खुद ही तोड़ने की कोशिश करिए। आप जितना एफर्ट लगा करके क्वेश्चन को तोड़ेंगे, आपका माइंड उतना ही ज्यादा शार्प होता जाएगा, ठीक है। तो माइंड को शार्प करने के लिए अच्छा खाना, अच्छे खाने के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हमने इसका पूरा नोट्स अब देखिए मैं आपको एक बार दे देती हूँ। देखो न्यूट्रिशन ये सामने आपके दिख रहा है, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फूड मटेरियल को टेक किया जाता है एंड अदर नरिशिंग मटेरियल, और बाकी और भी नरिशिंग मटेरियल जो कि हमारे शरीर को नरिश करेंगे उनको लेना बाय द बॉडी एंड यूजिंग देम फॉर एनर्जी, और उससे एनर्जी लेना एंड अदर पर्पजेज, है ना, और भी जो भी हमारे पर्पज हैं उन पर्पज के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह को लेना, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन, है ना। मतलब शरीर का ओवरऑल बात यही है कि शरीर का नरिशमेंट करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड्स इन फूड, फूड के अंदर वो कंपाउंड्स दैट आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ, जो कि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। देखो ग्रोथ अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है। ग्रोथ का मतलब होता है साइज बड़ा होना, ठीक है। एक आदमी जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है, नहीं। ग्रोथ अच्छा होना का मतलब होता है कि बहुत लंबे हो गए, ठीक है, ये तो ग्रोथ हुई, ग्रोथ। और डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि आपका ब्रेन भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, आपके बॉडी ऑर्गन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो क्या देता है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है, डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होता है एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिज्म, है ना, लाइफ को, हमारी जीविका, हमको जिंदा रखने के लिए जो जरूरी होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो होता है कौन, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स का इसके बाद क्लासिफिकेशन, ठीक है, आप देखिए उसके बाद क्लासिफिकेशन मैंने टू पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया है, ये कि हमने इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर दिया, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, ये इसी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपका नोट्स हो गया, पहले ये चीज़ आप लिखना, ये लिखने के बाद इसको थ्योरी में उसके नीचे फिर आप ये लिखना, ठीक है। तो यहाँ तक का बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, ठीक है।